नमस्कार भाइयों, स्वागत है एक और फ्रेश वीडियो में रफ्तार के। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यार मेरे मामा के लड़के पीछे बैठे हैं और मेरे को आए हुए घर में लगभग 3-4 दिन हो गए हैं और तब से ये ग्रैंड विटारा जो है, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ खड़ी हुई थी। तो आज मैंने सोचा कि अपनी ये गाड़ी निकाल देता हूँ और मामा के बच्चों को थोड़ा सा राइड दे देते हैं इसमें, और देना भी जरूरी था वरना कहेंगे कि गाड़ी लाए और चलाने भी नहीं दिया। तो यार मैंने गाड़ी निकाल दी, सबसे पहले तो मैं ही चलाया थोड़ा इनको, थोड़ा दिखाने के चक्कर में बस थोड़ा बहुत चलाया। बाकी मेरे मामा का लड़का है ये और ये BHMS कर रहे हैं ना, BMS कर रहे हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, बन रहा है, बनने वाला है, और ये चला रहा है। बहुत समय बाद ये गाड़ी ड्राइव कर रहा है और कैसा है फर्स्ट एक्सपीरियंस बता, कैसा है? फैंटास्टिक, मजा आ रहा है कि नहीं? यस, देख इसको पूरा एंजॉय, पूरा बोनट वोनट दिख रहा है भाई, अपना गाड़ी तगड़ा चला रहा है। वैसे मैंने इन सबको कहा है भाई थोड़ा सा आराम से चला, तो ये लोग आराम से भी चला रहे हैं। हैवी ड्राइवर है ये भी, हम लोग 800 चलाया करते थे एक जमाने में अपने मामा की मारुति 800, तो उसके बाद से ये चलाया। अभी यहाँ मामा का एक और लड़का है मेरा, हाय करा, इंजीनियर साहब है ये, और इंजीनियर साहब भी अभी गाड़ी चलाएंगे, दोबारा हम टर्न लेके आएंगे, तो एक राउंड इंजीनियर साहब को दे देंगे। उनके पीछे यहाँ पे है लकी, एक बार आना, ये एक और मेरे मामा का लड़का है और ये भी मैं आपको बता दूँ 12th अभी पास करेगा, एग्जाम दिया है उसने। और यहाँ पे मेनली मैं हाईवे पे कह रहा हूँ इसको ड्राइव करने के लिए, दे भी रहा हूँ इन लोगों को हाईवे पे, क्योंकि यार थोड़ा सा आपको पता है देनी है ये गाड़ी, तो मैं नहीं चाहता कि कोई मतलब यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं। तो यहाँ पे अब दोबारा यू टर्न लेके, और मेरे मामा का दूसरा लड़का चलाएगा इसको, अगर ये चलाना चाहे तो थोड़ा खींच भी सकता है भाई, एस्केलेटर दबा ले भाई। तो भाई ने एस्केलेटर पे दबाया और गाड़ी 60 के ऊपर जा रही है, और हमें वहाँ से यू टर्न भी लेना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। और उसके बाद ये ड्राइव करेंगे, हाँ ड्राइव करेगा ना भाई? बिल्कुल। तो भाई ये ड्राइव करेगा, उसके बाद एक्सपीरियंस अब तक एसी ओसी का बताना यार, कैसा एक्सपीरियंस है? यहाँ पे लगा तो यहाँ पे देखेंगे अब इसके बाद चलाया गया। थोड़ा सा ये लोग वल्गर बातें यूज कर रहे हैं, वल्गर शब्द यूज कर रहे हैं, उसके बारे में माफी कर दीजिएगा। ये लोग मामा के लड़के को हल्के में ले रहा है, ये भी मेरे मामा का लड़का है, ये बीच वाले मामा का लड़का है, तो सबसे बड़े वाले ये भी बीच वाले मामा का लड़का है, और इन्हीं की टाटा पंच थी, मैंने आपको किसी एक वीडियो में दिखाया भी है टाटा पंच। तो भाई अपना टाटा पंच दिखाएगा, इसकी टाटा पंच आएगी, मैं उसका भी सोचा था यार वीडियो बना लूं, पर वीडियो बना नहीं पाया था। तो चलो यू टर्न ले लिया इसने बढ़िया से, और अब किनारे लगाएगा और दूसरा मेरे मामा का लड़का चलाएगा, और ये बीच बीच में बोलते जा रहे हैं और ये मेरा वीडियो खराब कर रहे हैं यार, माफी करिए उस चीज के लिए, बट कोई बात नहीं, फिर भी हमने प्रिकॉशन अच्छे से लिया है और सीट बेल्ट लगाया हमने, और अब हैंड ब्रेक लगा देता हूँ। कैसा लगा यार ओवरऑल एक्सपीरियंस? अच्छी है, मजा आया ना, बेस्ट गाड़ी है। पीछे ये क्या कर रहा है तू, सीट बेल्ट ऐसे फेंक क्यों रहा है भाई? नई गाड़ी है, सीट बेल्ट ऐसे कर रहा है। तो चलो यार अब मेरे वो मामा का लड़का आते ही कह रहा है वीडियो बनाया वीडियो। ये अरे ये अब चला रहा है वीडियो, ये थोड़ा सा भी करेगा मेरे को जहाँ तक लग रहा है, बस मजे लो बस। तो ये अब चला रहा है, ये खींचा गाड़ी 80-100 पे भगा रहा है, ये भगाएगा मैं जानता हूँ भाई। मेरे जीजा अगर ये वीडियो देखे तो देख लेना, इसको कभी गाड़ी मत देना जीजा जी, ये भगा रहा है और ये परमिशन नहीं लिया हमने बस अपने जीजा जी से, क्योंकि हम आए थे इसमें फ्यूल भरवाने के लिए, फ्यूल कम हो गया था, मैंने कहा कि एक बार फ्यूल रिफिल करा देते हैं, क्योंकि कल गाड़ी का कोई काम नहीं रहेगा, बस गाड़ी वॉशिंग पे जाएगी और उसके बाद गाड़ी को हमें पार्क करना है एक जगह पर। तो 140 पे ये भगा रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट ये 4-lane हाईवे और नॉर्मली हाईवे खाली रहता है, तो बस मैं यही कहूँगा कि मतलब थोड़ा सा आप कंट्रोल में हो जाइए, क्योंकि सही बिल्कुल नहीं है, तेरे को भी पता है, घर वाले भी वीडियो देखते हैं तो उनको को अच्छा नहीं लगेगा। तुम एंजॉय कर, बहुत मजा आ रहा है। और कैसा लगा यार, तू पहली बार ग्रैंड विटारा चला रहा था? बिल्कुल पहली बार चलाया। कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत तगड़ा है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस वाज दी बेस्ट। व्हाट अबाउट यू यार, करता है आयुष? आयुष अपना बता कैसा है, आयुष को भी बड़ा लगा? मैंने, मुझे नहीं मजा आया। क्यों नहीं आया तेरे को मजा भाई, बोल। वो नहीं चला, क्योंकि ये चला नहीं पाता है और लाइसेंस नहीं है इसके पास, तो मैं परमिट भी नहीं करना चाहता,
क्योंकि बिना लाइसेंस के बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि सेफ्टी के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं, ऐसा काम करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। यहाँ पे रहे चारों भाई, फोटो ले लेंगे और उसके बाद कुछ देखते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक और चाहे सब्सक्राइब जो करेगा। मेरे मामा के बच्चों का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, मजा आया उनको। आप भाइयों के लिए एक थंबनेल ले लेंगे और सबको यार कह दो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें भाई। दिस इज मी साइनिंग ऑफ रफ्तार 78/11। फोर व्हीलर चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से सीट बेल्ट लगाएं, टू व्हीलर चाहते हैं हेलमेट जरूर पहने। जय हिंद जय भारत।